हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक एंड हम पढ़ रहे हैं सोइल मैकेनिक्स। दोस्तों, आज हम सोइल मैकेनिक्स की आगे बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सोइल मैकेनिक्स की, उसका रिवीजन करेंगे। जो हम पिछली वीडियो में किए थे टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोइल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम कल क्या पढ़े थे दोस्तों? तो हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर है, उसका दो होते हैं कॉम्पोनेंट होते हैं कोई स्ट्रक्चर का। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर, और ये बीच में जो कॉलम बीम्स होते हैं वो लोड ट्रांसफर करते हैं। और जो सब स्ट्रक्चर के बाद है, उसके बाद जो लोड होता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन में सोइल में, सोइल लोड को वियर करती है। और जो सोइल का फेलियर होगा, टू टाइप से हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी और शियर फेलियर। शियर फेलियर हमारे डेंजरस, क्योंकि ये सडन फेलियर होता है, और ये कंप्रेसिबिलिटी फेलियर होती है। सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो दोस्तों, सोइल का फॉर्मेशन जो रॉक से होता है, जो अगर सोइल हमें मिलेगा तो फॉर्म में मिलेगा कि सॉलिड, एयर एंड वाटर तीनों उसमें मिक्स होंगे, उस फॉर्म में हमें सोइल मिलेगा। तो दोस्तों, जो सोइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले वेदरिंग होती है, वेदरिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद रॉक का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, जो ये वेदरिंग है, वेदरिंग टू टाइप से हो सकती है, एक होती है फिजिकल एंड केमिकल। टू टाइप से वेदरिंग हो सकती है दोस्तों। जो केमिकल है वो तो रिएक्शन से हो जाती है, केमिकल रिएक्शन से। और जो फिजिकल है दोस्तों, वो फिजिकल मान लीजिए कोई वेदरिंग होती है तो दोस्तों, जैसे एयर, वाटर, इस वजह से फिजिकल वेदरिंग हो जाती है। और जो वेदरिंग का मतलब डिसइंटीग्रेशन होना मतलब होता है वेदरिंग। दोस्तों, ये थे वेदरिंग। इसके बाद हम पढ़े थे कि ये जो साइकिल है, जो वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से डिपोजिशन, डिपोजिशन रॉक, इसको हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, और इसका नाम है पेडोजेनेसिस, और इसको हम जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। सोइल हमारा रॉक से फॉर्म होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में। टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में पढ़े थे, पहला हमारा सोइल था रेजिडुअल सोइल। रेजिडुअल सोइल जो है वो पेरेंट ओरिजिन ओवर पेरेंट रॉक। दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेड सोइल, ट्रांसपोर्ट होकर आती है वो, उसे ट्रांसपोर्टेड सोइल कहते हैं। नेक्स्ट एलुवियल सोइल पढ़े थे। एलुवियल सोइल को और हम फेलुवियल सोइल भी कह सकते हैं, जो रनिंग वाटर में फॉर्म होती है। जैसे हम एग्जाम्पल है रिवर, रिवर का जो मिट्टी होता है उसे हम एलुवियल सोइल कह देते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा आर एलुवियल सोइल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमने देखा था लैकुस्टाइन सोइल। लैकुस्टाइन सोइल स्टील वाटर में जो पाया जाता है उसे लैकुस्टाइन सोइल कह देते हैं। जैसे लेक हो गया, उसमें जो सोइल पाई जाती है उसे हम लैकुस्टाइन सोइल कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मरीन सोइल, जो सी और ओशियन के बॉटम मोस्ट लेयर में पाई जाती है उसे हम मरीन सोइल कहते हैं। अगर हम मरीन सोइल की बात करें तो इसमें बहुत ही वेरी पुअर शियर स्ट्रेंथ होते हैं एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ग्लेशियल टिल के बारे में देखा था, इसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो आइस बॉक्स मिलती है। कैलुबियल सोइल टालू डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी फोर्सेज। नेक्स्ट हमें बात की थे एवलाइन सोइल। एवलाइन सोइल जो डिपोजिटेड बाय विंड, इसका एग्जाम्पल था डेसर्ट सोइल। नेक्स्ट हमें देखा था लोस सोइल। लोस सोइल जो वाइंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल, फाइन सोइल होती है, और इसको हम कोलेप्सिबल सोइल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था इसका चाइना क्ले। नेक्स्ट हमने बात करी थी दोस्तों, नेक्स्ट हमने बात करी थी क्लीच सोइल। क्लीच सोइल जो सीमेंटेड सोइल होती है और रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट होती है। लोम, लोम मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले की मिक्सचर होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करती है। नेक्स्ट हम कुमुलोस सोइल देखी थी, जिसमें पिटी सोइल या फिर मक जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट गुम्बो सोइल होती है। गुम्बो जो हाईली स्टिकी एंड प्लास्टिक एंड डार्क कलर की होती है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मर्ल सोइल। मर्ल सोइल का एक एग्जाम्पल करेल सोइल होती है। टफ सोइल देखा था हमने, जो स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड सोइल होती है, इसको वोल्केनिक ओरिजिन होती है, उसका ओरिजिन वोल्केनिक्स होता है। नेक्स्ट हमने देखा था बेंटोनाइट सोइल। बेंटोनाइट सोइल जो जिसका ओरिजिन वोल्केनिक्स होता है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके दोस्तों, ये तो हमारे कुछ टाइप्स के सोइल थे जो हमने कल के वीडियो में देखा था। एंड इसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि दोस्तों कल इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ मॉइस्चर हैं जो सोइल में, कुछ टाइप के मॉइस्चर हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की स्टडी। तो कल का रिवीजन हमने कर लिया, कल जो हमने पढ़ा था, नेक्स्ट इसे पहले वाले वीडियो में। ओके, तो हम देखते हैं जो क्या देखेंगे आज हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो दोस्तों, जो सॉइल मॉइस्चर है उसमें पहला क्या होता है, ग्रेविटी वाटर। क्या होता है, ग्रेविटी वाटर। क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि इट इज़ द वाटर विच इज़ फिल्ड बाय रेन और इरिगेशन। इट कैन बी रिमूव बाय ग्रेविटी फोर्सेस इफ ड्रेनेज कैन बी परमिटेड। दोस्तों, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, जब जैसे हम बारिश वरिश होती है तो हमारा जो बारिश का पानी होता है वो अच्छे से अगर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है उस पानी का, तो स्टोर होता है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल अब्जॉर्ब करती है उस पानी को, तो उसे हम ग्रेविटी वाटर कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर भी होता है कि हमारा मॉइस्चर, तो क्या ये कैसे होता है, तो इट इज, इसकी डेफिनेशन क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इट इज द वाटर विच इज स्टोर्ड इन वॉइड्स ड्यू टू कैपिलरी रिएक्शन। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये हमारा वाटर टेबल है। ओके दोस्तों, एक और है, ये है ग्रेविटी वाटर, ये है ग्रेविटी वाटर। दोस्तों, जो वाटर टेबल से नीचे से जो कैपिलरी होके ऊपर आती है उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ओके, इस हाइट को हम कहते हैं HC। ओके, ये होती है कैपिलरी वाटर। क्या कह रहा है कि इट इज द वाटर विच इज स्टोर्ड इन वॉइड्स ड्यू टू कैपिलरी रिएक्शन। ये जो वाटर के वॉइड्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। फाइन सॉइल हैव मोर कैपिलरी, जो हमारा फाइन सॉइल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होने के चांसेस होते हैं और होते भी हैं। तो ये थे हमारे कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन ओवन ड्राइंग सैंपल इज प्लेस्ड इज एन ओपन एटमोसफियर। जैसे मान लीजिए हम एक कोई सैंपल है, सॉइल का सैंपल है, हमने सॉइल को खुले स्थान पर रख दिए जहाँ पे, तो जो एटमोसफेयर से कुछ मॉइस्चर होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस ऑब्जॉर्ब किए हुए सॉइल को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कह देते हैं। जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है उस मॉइस्चर को, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कह देते हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ़ एन ओवन ड्राई सैंपल इज प्लेस्ड एन ओपन एटमोसफेयर देन मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाई द सॉइल फ्रॉम द एटमोसफेयर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल डिपेंड अपॉन सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पार्टिकल साइज एंड शेप। तो दोस्तों, कुछ टाइप ऑफ सॉइल हैं जिन और उनमें कितना कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, वो हम देखते हैं। जैसे ग्रेवल, ग्रेवल जो होते हैं, ये एक सॉइल है, टाइप सॉइल के टाइप्स हैं दोस्तों। इसमें जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो लगभग नील के बराबर होता है। क्या होता है, नील, या फिर आप कह सकते हैं कहीं कहीं कोई बुक में देखा है 0.6% ये अब्जॉर्ब कर पाता है मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सैंड। सैंड जो है दोस्तों ये 1% एंड सिल्ट जो है 7%। सबसे अधिक जो अब्जॉर्ब करता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है क्ले। ये कितना अब्जॉर्ब करता है, तो दोस्तों ये अब्जॉर्ब करता है 17%। कितना, 17% वाटर जो है ये अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से क्ले। ओके, ये जो टेबल मैंने आपको बताया इसको मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट टेबल है जो जेई के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और पूछेगा इनसे। तो एक बार देख लीजिए क्या होते हैं मॉइस्चर। एक और मॉइस्चर होता है, क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड मॉइस्चर। क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड मॉइस्चर। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि द सॉइल मॉलिक्यूल्स कंटेन स्ट्रक्चरल वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉन्ड। जो हमारे सॉइल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक स्ट्रक्चरल वाटर होता है वाटर बॉन्ड के फॉर्म में। एन ओवन ड्राइंग 105 से 110 डिग्री सेल्सियस स्ट्रक्चर वाटर कांट बी रिमूव। क्या कह रहा है कि अगर हम इसको 105 से 110 डिग्री पे हम बर्न करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर ओवन ड्राइंग में हम बर्न करेंगे तो जो स्ट्रक्चरल वाटर वो रिमूव नहीं होगा। इफ स्ट्रक्चरल वाटर इज रिमूव द क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड हैंस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विल चेंज। दोस्तों, अगर हम इसको बर्न करते हैं और इसका जो
वाटर है, स्ट्रक्चरल वाटर, अगर वो रिमूव हो जाता है तो जो सॉइल है उसका जो क्रस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा सॉइल होता है उसकी जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड होती है, वाटर होती है, वाटर बॉन्ड, वो ना रिमूव हो। ओके दोस्तों, जो सॉइल मॉइस्चर होता है, सॉइल मॉइस्चर क्या दोस्तों, सॉइल मॉइस्चर होते हैं, ये कैसे होते हैं, जो ग्रेविटी वाटर होती है, ग्रेविटी वाटर प्लस में कैपिलरी वाटर प्लस में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये तीनों मिलके हमारा सॉइल मॉइस्चर होती है। ओके दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर में पहला होता है ग्रेविटी वाटर, दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अगर तीनों को ऐड करते हम तो हमारा सॉइल मॉइस्चर बन जाएगा। तो ग्रेविटी वाटर ये था कि जो बारिश और इसका पानी होती है उसकी वजह से ग्रेविटी होता है, या फिर इरिगेशन आप कह सकते हैं वो होता है। नेक्स्ट हमने कैपिलरी वाटर देखा, तो कैपिलरी वाटर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर वाटर टेबल जो हमारा होता है उससे ऊपर आता है कैपिलरी एक्शन के तहत, तो होता है कैपिलरी वाटर। नीचा हम हाइग्रोस्कोपी वाटर देखा, हाइग्रोस्कोपी जो ग्रेवल है उसमें लगभग नील होता है, सैंड के लिए 1% एंड सिल्ट के लिए 7% ऑब्जर्व करते हैं, और क्ले क्ले सबसे ज़्यादा करता है उसका कितना है 17%, क्या है 17%। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें सॉइल मास दो टाइप में होते हैं, एक होता है थ्री फेस डायग्राम और दूसरा होता है टू फेस डायग्राम। क्या होता है, टू फेस डायग्राम। ये समझने से पहले हम आपको बताते हैं एक और समझाते हैं कुछ आसान सा। मान लीजिए आपका एक कोई सॉइल सैंपल है, ठीक, सॉइल सैंपल है, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है एक सॉइल और सॉलिड दोनों में डिफरेंस देखना होता है, सॉइल और सॉलिड में डिफरेंस हम देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये होता है सॉलिड। अगर हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल कुछ भी लोड लगाते हैं, अगर सिर्फ इस पॉइंट सॉइल ये जो सॉलिड होता है इस पे, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान, इसको हम वॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स, वॉइड्स। तो आपको समझ में आएगा कि जो सॉलिड और सॉइल में डिफरेंस क्या होता है, और ये दोनों मिला करके क्या होता है, सॉइल क्या होता है, जब वॉइड्स एंड सॉलिड मिलते हैं तब जाके बनता है सॉइल। ओके, और अगर सॉलिड की बात करें तो ये होती है, सिर्फ इसकी बात करें तो सॉलिड होती है, और जो होती है सॉइल। अगर पूछता है जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की, तो जो ये है ना, ये जो चार हैं, इनकी सिर्फ होगी क्या होगी, इनकी सिर्फ होगी वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर पूछता है वेट ऑफ सॉइल पूछेगा, तो इसकी भी और इसकी भी, इन दोनों की मिलकर होगी वेट ऑफ। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछता है, तो इन चारों की मिलकर होगी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछता है तो इन दो, ये भी और ये मिलकर होने की जो पूरी होगी होगी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं अपना टू फेस थ्री फेस डायग्राम। जो थ्री फेस डायग्राम है इसमें होता है, आपको बताता हूं मैं, नीचे होता है सॉलिड, इसके बाद वाटर, इसके बाद एयर। एक बार तो पिछले पेपर में पूछ लिया था जे में कि इसकी जो सबसे जो होती थ्री फेज डायग्राम में उसकी सीक्वेंस बता दो, तो आपको ये पता होगा कि सबसे नीचे जो होता है सॉलिड्स होता है,
क्या होती है, सॉलिड्स होती है, इसके बाद वाटर होती है, इसके बाद एयर होती है। टू फेस डायग्राम में दो होते हैं, इसमें एक होता है ड्राई सॉइल एंड दूसरा होता है सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड सॉइल। के इसका डायग्राम जो बनता है, ड्राई सॉइल है इसका मतलब जान गए सॉलिड्स होगा एंड ड्राई है तो इसमें वाटर नहीं होगा तो यहाँ होगा एयर, ओके। और सैचुरेटेड सॉइल जो होगा उसमें सॉलिड्स होगा एंड वाटर होगा, वाटर, ओके। आप आई होप आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा होगा। जो सैचुरेशन, ये जो सैचुरेटेड होते हैं सॉइल, उसमें अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड है सॉइल, तो ये वन के बराबर होगी। क्या होगी? वन के बराबर। अगर इसको फुली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू वन है तो सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। क्या होगी? फुली सैचुरेटेड, ओके। तो जो हमारा ये थ्री फेस डायग्राम है, ये पार्शली सैचुरेटेड डायग्राम होता है, पार्शली सैचुरेटेड। और इसकी जो सैचुरेटेड वैल्यू होती है वो जीरो से ज्यादा और एक से कम होती है। क्या होती है? एक से कम, जीरो से एक के बीच में लाई करती है थ्री फेस डायग्राम में एस की वैल्यू, ओके। और जो हमारा ड्राई सॉइल होता है, ड्राई सॉइल, इसमें एस की वैल्यू जीरो होती है, मतलब सेचुरेशन होता ही नहीं। और जो हमारा फुली सेचुरेटेड सॉइल है, इसमें वन होती है सेचुरेशन की पॉइंट। क्या होती है? वन, ओके। तो ये थे हमारे टू फेस थ्री फेस डायग्राम। अब नेक्स्ट हम फिर से बात करें, अगर अच्छे से कुछ अच्छे से हम बात करें तो क्या कह रहा कि ये मान लीजिए ये है सॉलिड, सॉलिड वाटर एंड एयर। अगर हम पूछता है कि वेट, वेट ऑफ सॉइल बता दो, तो हम क्या होता है, जो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स होता है प्लस में वेट ऑफ वाटर होता है, प्लस में वेट ऑफ एयर होता है। दोस्तों मैं आप बता दूं, तो जो एयर होता है इसका एयर का वेट लगभग नहीं, तो हम वेट ऑफ एयर निकाल मान लेते हैं जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। तो इसका वेट ऑफ एयर का तो होगा नहीं, तो जो वेट ऑफ सॉइल होगा उसका हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस में वेट ऑफ वाटर। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा वेट ऑफ सॉलिड सॉइल, सॉरी सॉइल। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ये है वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर हम ये सॉइल सैंपल लिए तो इसमें जो है ये वॉइस है, अगर इसमें एयर है या फिर वाटर है तो जो एयर है उसकी वॉल्यूम है और वाटर की, तो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर को कंसीडर करेंगे क्योंकि एयर की वॉल्यूम होती है। तो ये जो टोटल है ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम, जो से वीटी से हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। तो ये थे हमारे टू फेस थ्री फेस डायग्राम। अगर हम आपको पता चल गया, अगर वेट ऑफ हमें अगर वेट ऑफ सॉइल निकालनी है तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस में वेट ऑफ वाटर, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू टी से, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये होते हैं फॉर्मूले।
टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल वेट ऑफ सोइल का। ओके, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैंने बताया आपको, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वोल्ट्स, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वोल्ट्स। तो एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वोल्ट्स। अगर ये जैसे हमने ये सॉइल सैंपल देखा, इसमें जो वोल्ट्स है इसमें हम वाटर हो जाए तो फुली सैचुरेटेड सोइल हो जाएगा, और फुली सैचुरेटेड मतलब ये एस का मतलब 1। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वोल्ट्स। ओके, तो ये हो जाएगा। और जो अगर हमारा ड्राई सोइल है, अगर हम बात करें ड्राई सोइल की, क्या ड्राई सोइल की, तो इसका जो सैचुरेशन डिग्री होगा, क्योंकि अगर ड्राई सोइल की बात करें उसमें तो हमारा एयर होता है और वाटर होता नहीं है, तो इसका जो सैचुरेशन हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या होगा, जीरो। अगर हम सैचुरेटेड सोइल की बात करें तो इसमें एस की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वोल्ट्स हो जाता है। ओके, और अगर हम ऑल टाइप की, मैंने आपको पहले ही बताया ऑल टाइप की सॉइल की बात करें, तो इसमें जो हमारा सेचुरेशन होगा यस, जो एस जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा और 1 या 1 के छोटा होगा, ये आपको याद पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो ये थे सॉइल के बारे में। अगर और हम अब वॉइस आप लोग सोच रहे हैं वॉइस कर रहा है, होता क्या है वॉइस, तो मैं आपको वॉइस के बारे में बताता हूँ क्या होता है वॉइस, जिसको हम वॉइड रेशियो बोलते हैं, वॉइड रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम डिनोट करते हैं ई से, और जो वॉइड रेशियो तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये होता है वॉइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, ये होता है। एंड जो ई होता है ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है, कभी जीरो नहीं होता है। ओके दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इसके जो वॉल्यूम है वो मिनिमम कितने वॉइड रेशियो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने वॉइड रेशियो हो सकते हैं, तो अगर हमारा पार्टिकल स्फेरिकल है, पूरा प्योरली स्फेरिकल है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बेंटोनाइट, मैंने जो आपको बताया था बेंटोनाइट सॉइल के बारे में, उसमें जो वॉइड रेशियो होते हैं, उसमें जो वॉइड रेशियो वो उनकी वैल्यू 5.20 होती है, क्या होती है, 5.20 होती है बेंटोनाइट सॉइल के केस में। अगर हमारा जो पार्टिकल स्फेरिक है, यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल है, तो मान लीजिए ये है, कोई है सॉइल सैंपल, इसमें अगर सॉइल आता है सेम साइज के सेम पार्टिकल, तो इसमें जो होता है मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है। ये खाली केस है जो मैं कलर कर रहा हूँ पूरे, ये होती है वॉइड रेशियो। तो इसमें जो ये इसमें मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितनी होती है, 91% तक हो सकती है। अगर मैं किस इस आप ही पता खुद सोचिए इसको किस फॉर्म में अरेंज करेंगे तो मिनिमम वॉइड हो सकते हैं, तो एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो इसमें जो है कि नहीं मिनिमम होगा। ओके दोस्तों, क्या होगा, मिनिमम वॉइड रेशियो हो सकता है।